भाजपा सरकार में भले ही जीरो टॉलरेंस की बात हो मगर भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। जी हाँ, यूपी के जनपद अलीगढ़ से एक ऐसा ही रिश्वत का मामला सामने आया जहां पीडब्ल्यूडी के सीडी वन में जय इकबाल का वीडियो वायरल होने से ये बात और पुख्ता हो गई है। जय इकबाल के पास पेट्रोल पंप के एनओसी के लिए एक व्यक्ति पहुंचता है, वो बातचीत में जय को रुपये की गड्डी पकड़ाता है। जय इकबाल वीडियो में सामने दिख रहे हैं, पैसे देने वाला व्यक्ति घड़ी पहने हुए है। बताया जाता है कि यह पेट्रोल पंप किसी मुकेश पाल सिंह के नाम से है। वीडियो में रुपए की गड्डी लेते हुए साफ दिख रहे हैं इकबाल, 20,000 रुपए की गड्डी बताई जा रही है। इस पर इकबाल रुपए कम होने पर नाराजगी जता रहे हैं। रुपए गिनते हुए वह कह रहे हैं कि इतने से काम नहीं हो पाएगा। पैसे देने वाले व्यक्ति कह रहा है कि हम आपके बच्चे अभी इतना रख लो, आगे फिर देखेंगे। इकबाल से वो कह रहा है कि एक दिन आपके साथ भोजन पर बैठेंगे, आगे भी काम पड़ता रहे। इकबाल कह रहे हैं कि काम नहीं हो सकता, तमाम कागजों की कार्रवाई होती है, उसे पूरा करना पड़ता है, इसलिए और पैसे चाहिए, इतने से काम नहीं चल पाएगा। इसके बाद इकबाल रुपए की गड्डी रख लेते हैं और आगे बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। बुधवार शाम को यह वीडियो सोशल मीडिया समेत तमाम स्थानों पर वायरल हो गया, जिस पर जेई के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी है। पीडब्ल्यूडी सिटी वन के अधिशासी अभियंता जेपी पांडे का कहना है कि मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं आई है, यदि लिखित में जेई के खिलाफ कोई शिकायत करता है तो निश्चित कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी भी तरह से भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देखिए पूरी रिपोर्ट दीपक शर्मा के साथ। पीडब्ल्यूडी के एक अधिकारी का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। पीडब्ल्यूडी के जूनियर इंजीनियर इकबाल पेट्रोल पंप की एनओसी देने के नाम पर 20,000 रुपए की रिश्वत ले रहे हैं। बाकी कह रहे हैं कि उन्हें बाकी का पैसा और भी चाहिए, अगर पैसा नहीं दिया गया तो वह पेट्रोल पंप की एनओसी नहीं देंगे। और इधर कारोबारी बिना एनओसी के पेट्रोल पंप नहीं चला सकेंगे। आपको बता दें कि सरकार को बदनाम करने में ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों का हाथ खूब माना जा रहा है। वहीं शासन से लेकर प्रशासन तक ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर किस तरीके से कार्रवाई अमल में लाई जाती है, देखना यही होगा। और इधर प्रशासन के आला अधिकारी इस मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। दीपक शर्मा, समाचार प्राइम 24, अलीगढ़।